टेलीविजन की दुनिया में कई शोज आते हैं और कई चले जाते हैं, लेकिन कुछ शोज ने सभी के दिलों में अपनी जगह बना ली है। तो आइए जानते हैं इस हफ्ते किस किस शो ने हासिल की है कौन सी पोजीशन। 10th पोजीशन पर आप सभी का फेवरेट लॉन्गेस्ट रनिंग शो शक्ति अस्तित्व की एहसास की है, जहां सौम्या की याददाश्त वापस आ गई है। वहीं शो में हरमन और सौम्या की लव स्टोरी ऑडियंस को आ रही है खूब ज्यादा पसंद। 9th पोजीशन पर है जी टीवी का शो तुझसे है राब्ता। वहीं कल्याणी और मल्हार की नोकझोंक का ट्रैक ऑडियंस को पसंद आ रहा है और साथ ही साथ शो में अथर्व की री एंट्री भी कर दी गई है। सोनी टीवी के टॉप सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल का फिनाले एपिसोड ने सभी को काफी ज्यादा इम्प्रेस किया और शो ने हासिल कर ली है 8th पोजीशन। वही विजेता का खिताब मिल गया सलमान अली को। आगे बालाजी का मोस्ट पॉपुलर शो कसौटी जिंदगी अब टीआरपी लिस्ट में धीरे धीरे नजर आ रहा है और इसलिए शो आ गया है 7th पोजीशन पर। वहीं आगे स्टार प्लस का पॉपुलर और लॉन्गेस्ट रनिंग शो ये रिश्ता क्या कहलाता है टीआरपी में गिरते हुए नजर आया, जहां शो ने टॉप 5 से हटकर ले ली है 6th पोजीशन। आगे सी टीवी का फेवरेट शो कुमकुम भाग्य का करंट ट्रैक ऑडियंस को आ रहा है खूब ज्यादा पसंद और इसलिए इस हफ्ते शो है 5th पोजीशन पर। टीआरपी के 4th पोजीशन पर है कुल्फी कुमार बाजेवाला, जहां अमायर और कुल्फी हर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो सिकंदर और लवली का डिवोर्स कैंसिल करा दे। वही टीआरपी लिस्ट में 3rd नंबर पे है सब टीवी का फेवरेट शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। शो ने टीआरपी लिस्ट में इस बार अपनी जगह बनाए रखी है। आगे 2nd पोजीशन पर है जी टीवी का पॉपुलर शो कुंडली भाग्य और इसमें कोई शक नहीं है कि प्रीत और करण की जोड़ी लोगों को कर रही है खूब ज्यादा एंटरटेन। वेल, हमेशा की तरह इस बार भी नागिन ने पहली पोजीशन हासिल की है और जल्द ही शो में माहिर की शादी बेला से नहीं बल्कि विशाखा से हो जाएगी। टेलीविजन की लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।